सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। जिला प्रशासन के द्वारा कॉन्क्वेस्ट 2020 कार्यक्रम के अंतर्गत 5 दिनों का क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है, जिसमें 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधार करने के लिए छात्र छात्राओं के बीच 40 घंटे का क्लास दिया जा रहा है। इस क्रैश कोर्स में केवल उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिस विषय में छात्र छात्रा कमजोर हैं। वहीं साहेबगंज जिले में ऐसे छात्र छात्रा हैं जो सभी विषय में कमजोर हैं। उन छात्र छात्राओं को क्रैश कोर्स के माध्यम से वैसे प्रश्न हल कराए जाएंगे जिनके 10वीं बोर्ड परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना है। क्रैश कोर्स में लगातार कई वर्षों से परीक्षा में आते रहे प्रश्नों को भी पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे 10वीं में अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। उपायुक्त ने बताया कि क्रैश में वैसे बच्चे जो 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने योग्य है, वैसे छात्र छात्राओं को अधिक अंक प्राप्त करने के लिए विषय में अधिक केंद्रित कराया जाएगा ताकि वह बेहतर अंक प्राप्त कर सके। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि 3 केंद्रों पर कुल 150 बच्चों की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। कॉन्क्वेस्ट 2020 हम लोग जो साहिबगंज जिले में चला रहे हैं, इसका हम लोग का 2 प्रमुख उद्देश्य है। पहला उद्देश्य हम लोगों का है कि हमारे जिले के जितने भी बच्चे हैं उनका जो पासिंग परसेंटेज है क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकें। पिछले वर्ष से 59% था, इस बार हम लोगों ने अलग अलग विषयों में बच्चों को चिन्हित किया है कि किस विषय में कौन सा बच्चा कमज़ोर है, और उसके लिए हम लोग 40 आवर्स का स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें जो भी वीक एरियाज होते हैं उनको हम लोग सेशन वाइज में हम लोगों ने बांट दिया है, और हर सेशन में हम लोग उन वीक एरियाज पे फोकस करते हुए उनके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि हम लोगों ने जिले में करीब 150 बच्चों को चिन्हित किया है जो सक्षम है अच्छे नंबर लाने के लिए, तो उनको हम लोग एक अलग तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि जो हाईएस्ट मार्क्स होता है जिले का उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर सकें। और हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस बार जिले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो 90% का जो एक बैरियर है उसको क्रॉस कर सकें। जी सर, बच्चों में 5 सेंटर्स बनाया है जहाँ पे हम लोग जो रिलेटिवली थोड़े से वीक स्टूडेंट्स थे उनके लिए, तो वहाँ पर भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। इवन पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, टीचर्स की तरफ से भी रिस्पांस मिल रहा है, और सभी बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस काफ़ी अच्छा है इन जगहों पर। और कोशिश यही है हम लोगों की कि बच्चों को हम लोग मोटिवेट भी कर सकें बोर्ड एग्ज़ाम के प्रति, और उनका जो एक खुद का जो एनर्जी लेवल है उसको हम लोग हाई रख सकें और वो लोग एग्ज़ाम में अच्छा।